Hello students, this is Ethel Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 7th, Pagle Pagle of Standard 8 Gujarati GSAB Board. पहले अपन स्टार्ट पोयम स्टार्ट करने से पहले कवि का परिचय देखेंगे. पोयम स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, कवि का परिचय पढ़ेंगे. ठीक है, अभी कवि का नाम क्या था, संत बाल. ये कवि का नाम क्या था, श्री संत बाल, जिनका मूड नहीं मतलब एक्चुअल नाम क्या था, शिवलाल. ये एक जैन संत थे, इनने जैन धर्म में दीक्षा ले ली थी. तो जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद इनका नाम हो गया था संत बाल. पहले इनका नाम था शिवलाल. ठीक है, इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म 26 अगस्त 1904 में हुआ था और इनका मृत्यु 26 मार्च 1982 में हुआ था. इनका जन्म का स्थान है तोड़, दैट इज मोरबी, तालुका मोरबी. गांव कौन सा है, तोड़, और तालुका कौन सा है, मोरबी. तो संत बाल ने ये बहुत ही सुंदर कविता लिखी है जो अपन आज गीत के मामले में पढ़ेंगे. मतलब पूरा मैं सॉन्ग सुनाऊंगी, उसके बाद लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगी. क्लियर एवरीवन? मतलब क्या बोलना चाहते हैं कवि, क्या बोलना चाहते हैं कि हर पगले, हर कदम पे सावधानी रखें, हर कदम पे सावधानी रख के आगे बढ़, कुछ प्रॉब्लम ना हो, हर कदम पे सावधानी, सावध मतलब सावधानी रख के आगे बढ़ो. प्रेमता प्रगटावे जा, मतलब खुशी प्रेम हर जगह फैलाते जा, हर जगह खुशी और प्रेम फैलाते जा. मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि तू तेरे जीवन में हर पगले, हर कदम पे सावधानी रख, हर कदम पे सावधानी रख के आगे बढ़ और हर जगह प्रेम की भावना फैलाते जा. ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स. क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट लाइन, अंतर ने अजवाड़ी वीरा पथ तारो कापिए जा. मतलब तेरे दिल में, अंतर ने मतलब तेरे दिल में अजवाड़ी वीरा, अजवाड़ी मतलब शुद्ध रख के, स्वच्छ रख के, तेरे दिल को स्वच्छ रख के, वीरा मतलब भाई, तेरे दिल को स्वच्छ रख के पथ तारो कापिए जा, मतलब तेरे जीवन के हर मार्ग में आगे बढ़ते जा. मतलब क्या, तेरे दिल को साफ रख के, स्वच्छ रख के हर कदम आगे बढ़ते जा, तेरा रास्ते में, तेरे मार्ग में कोई तकलीफ नहीं आएगी, तू तेरा रास्ता निकालते जा, तू तेरा मार्ग में आगे चलते जा, लेकिन दिल हमेशा साफ रखना. ठीक है, क्या बोला है कवि ने, कांटा आवे कंकर आवे धूम धकमती रेती आवे, खाड़ा नी धारे ने धारे धैर्य धारी चालियो जा. दुर्गम पंथ का सॉरी, कवि क्या बोलना चाहते कि तेरे रास्ते में, तेरे मार्ग में कांटे आएंगे, कंकर आएंगे. कांटे आएंगे, कंकर आएंगे, मतलब क्या, मुश्किलें आएगी. ठीक है, मुश्किलें आएगी. धूम धकमती रेती आवे, मतलब एक एकदम ज़्यादा गर्म मिट्टी आएगी. मिट्टी यूजुअली हीट में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो एकदम गर्म गर्म मिट्टी भी आएगी. खाड़ा नहीं धारे ने धारे, मतलब खड्डे आएंगे, सब कुछ आएंगे, मतलब इन शॉर्ट बहुत मुश्किल ही आएगी, तो भी धीरज रख के, शांति रख के तू आगे बस बढ़ता जा. कोई मुश्किल से डरना मत, बस आगे धीरज रख के, पेशेंस रख के आगे तू बढ़ता जा. मतलब तेरे रास्ते में, तेरे मार्ग में बहुत मुश्किल ही आएगी, तेरे जीवन के मार्ग में आगे चलता जा, बहुत मुश्किल ही आएगी. कांटे आएंगे, कंकर आएंगे, धूप एकदम गरम गरम मिट्टी आएगी, ये सब क्या है, एक्चुअली ये सब नहीं आने वाला, मतलब अलग अलग टाइप की मुश्किलें आएगी, लेकिन तू उस मुश्किल से डरना मत, पेशेंस रख के बस आगे बढ़ता जा. दुर्गम पंथ कापिए जा, मतलब क्या हुआ,
कि मुश्किली का जो मार्ग है वो बस रास्ता निकाल दे, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किली का रास्ता है, जो रास्ते में जो मुश्किली आएगी वो सब को तू साइड में रख के बस आगे बढ़ता जा, ये मुश्किली वाला पंथ तू निकाल दे, तू पार कर दे, ठीक है। कवि क्या बोलना चाहते हैं, हिम्मत तारी खोतो ना, स्वार्थ सामे जोतो ना, शिष्ट शांति ने सेवो ना सेवानो तू पाठ सौने आपिए जा, दुर्गम पंथ कापिए जा। मतलब कवि क्या बोलना चाहते हैं कि तेरी हिम्मत, तू कभी कितनी भी मुश्किल आए तो तेरी हिम्मत कभी खोना मत, तो हिम्मत से काम लेना हमेशा, स्वार्थ के सामने कभी देखना मत। काफ़ी ऐसे पंथ आएंगे जिसमें दिखेगा कि तेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है, स्वार्थ है, स्वार्थ के सामने देखना मत, बस ये पाठ को कंप्लीट करता जा। शिष्ट, शिष्ट मतलब अपन आज्ञा का पालन करते हैं, नियम आज्ञा, तो बोले तेरे शिष्ट जो है शांति है, ऐसे गुण अपना कि लोग उस गुण को हमेशा एक शिक्षक मतलब एक बोध की तरह लेते जाएं, कि हमेशा उस चीज़ का बोध जीवन में लेके कि ये इंसान ऐसा था, इसके शिष्ट तो मैं तुमको एक अच्छा इंसान माने, अपने अच्छा इंसान का बोध मिले तुमसे, वैसा इंसान तो बनता जा, सबको एक पाठ सिखा सके, सबको एक पाठ सिखा सके, उस टाइप का इंसान तू बनता जा। तू कितनी भी मुश्किली वाला पंथ है तू बस आगे बढ़ता जा, वो रास्ते को निकाल दे, वो रास्ते को पार कर दे, ठीक है। सो ये बहुत ही मस्त पोएम थी, कवि संत बाल ने लिखी है, जो जैन संत थे उनने क्या बोला है, जीवन के ये जो पंथ, जीवन के जो मार्ग है उसमें बहुत मुश्किली आएगी, पर कभी हार मत मानना और हमेशा आगे चलते जाना, कभी स्वार्थ ये सब चीज़ों को देखना मत, ठीक है, और प्रेम से बस आगे चलता जा, हर जगह प्रेमरता फैलाते जा, ठीक है। तो एक लास्ट बार ये पोएम पढ़ूंगी मैं, पगले पगले सावध रहिने प्रेमरता प्रगटावे जा, अंतर ने अजवाड़ी वीरा पत तारो का पिए जा, काटा आवे कंकर आवे धूम धकमती रेती आवे, खाड़ा नी धारे ने धारे धैर्य धारी चालियो जा, दुर्गम पंथ कापिए जा, हिम्मत तारी खोतो ना, स्वार्थ सामे जोतो ना, शिष्ट शांति ने सेवानो तू पाठ सौने आपिए जा, दुर्गम पंथ कापिए जा। सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस पोएम हियर एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इतिल भंडारी फ्रॉम HR इंस्टीट्यूट।